दाऊ, आप इतनी शीघ्रता में क्यों आ रहे हैं? एक बहुत बड़ी समस्या है काना। राधा की सहेली प्रेमा के विवाह में वर ने 10 बीघा भूमि मांगी है, और तो और प्रेमा के निर्धन माता पिता की दहेज देने को तैयार भी हो गए हैं। अभी प्रेमा के पिता पापा से भूमि मांगने आए थे, वो बहुत ही चिंतित लग रहे थे। दाऊ, ये तो लालच है। दहेज लेना या देना अच्छी बात नहीं होती है, हमें ये सब कुछ रोकना होगा। काना, शीघ्रता से उन्हें यह बुलाओ। बुलाया तो उसे जाता है दाऊ, जो चले जाते हैं। दाऊ, बड़ी भूख लगी है, माखन खाने का मन कर रहा है। यदि कोई मुझे माखन लाकर देता तो कितना अच्छा होता। माखन, ये कहाँ से आया? कौन लाया मेरे लिए माखन? हाँ, मेरे लिए ये सब और कौन कर सकता है? मैं लाया ये माखन। हाँ जाऊ, मेरे लिए इतनी चिंता आप ही तो करते हैं, और मेरी हर इच्छा आप ही तो पूर्ण करते हैं दाऊ। हाँ काना, मुझे तो क्षण क्षण तुम्हारा स्मरण रहता है। कहो, और कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? यक्ष कुमार, तुम पत्थर बनकर क्यों यहाँ वहाँ घूम रहे हो? कोई विशेष प्रयोजन? वो क्या है ना मेरे प्यारे प्रभु, कि आपको छोड़कर जाना इस यक्ष कुमार के लिए असंभव है, इसलिए मैं सदैव इधर उधर छिपकर आपके समीप रहने का प्रयत्न करता हूँ। अब देखिए ना, मुझे आपके बड़े भैया के कारण यहाँ पे प्रकट होना पड़ा। ये कह रहे हैं कि ये आपके लिए माखन लेकर आया, लेकिन मैं तो आपके लिए माखन लेकर आया हूँ। आप तो रहने ही दो, मुझे मेरे प्यारे प्रभु के सभी कार्य करने दो। मेरे प्यारे प्रभु, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? प्रभु, समझाइए ना बड़े भैया को, इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, हम हंस नहीं रहे हैं, हम तो तुम्हें प्रकट रूप में देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। मुझे पहले से ही ज्ञात था कि तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। कहिए मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं सब समझ गया मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपका ये कार्य चुटकी में कर दूंगा। हाँ, मुझे आज्ञा दीजिए। काना, मुझे तो संदेह है, क्या तुम्हारे भक्त ये कार्य कर पाएगा?